निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से इस सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट सितंबर 2015 पेपर वन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से पिछले वीडियोस में हमने 15 प्रश्नों को देख चुके हैं और उसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे जिसका जवाब हमने बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नाम लेते हैं उन लोगों का इस वीडियो में जिन्होंने उन 2 प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का जवाब दिया है। कुछ लोगों का हम नाम लेंगे, रिस्टॉल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो टोटल 72 कमेंट्स हैं, जिसमें से अमरीश जी ने सबसे पहले जवाब दिया था 16 का 2 और 17 का 1। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे 16 और 17 पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कंचन कुमार, हरिओम लोढ़ा, अभिषेक राय, इसके अलावा और भी नाम है, सुनील कुमार यादव, ऋषिकेश कुमार, रचना गुप्ता, और नाम आप स्क्रीन पे स्क्रॉल होते हुए देख सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे जवाब लगातार दिए हैं, जैसे निकी सिंह ने क्या किया है, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी समय उन्होंने जवाब देना शुरू किया। ये भी अच्छा तरीका है। अगर किसी वीडियो को देखते हैं और वो क्वेश्चन बैंक के रूप में है तो उसका जवाब मेरे जवाब देने से पहले दे सकते हैं और अपना आंसर जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। लाइव कमेंट दे सकते हैं आप वीडियो देखते समय, ये अच्छी बात है अगले एग्जाम के लिए। और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं जिसे आप लाइव देख सकते हैं। ये थे आप सभी के जवाब, कुछ लोगों के हमने नाम दिए थे। इस वीडियो में भी, यानी जो आज अभी वीडियो शुरुआत कर रहे हैं, इसमें भी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप हमें जरूर दें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, जिसका करेक्ट आंसर था आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। और भी आंसर हम देखते हैं क्यों गलत है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आकलन हम 2 तरीके से करते हैं। एक होता है आपका रचनात्मक आकलन। आकलन के विषय में हमने एक वीडियो बनाया है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का निश्चित ही आप उत्तर दे पाएंगे, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 16 का 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर रखा था, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, सृजन करना यानी अपसारी चिंतन, इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोट्स्की सहमत होते हैं या सहमत होते हैं, यानी बहुत सारे कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा कथन वाइगोट्स्की जो है उससे सहमत होते हैं। तो वाइगोट्स्की ने चर्चा किया गया था, उनके द्वारा क्या चर्चा किया गया था, कुछ सामाजिक शब्द का उपयोग किया गया था, उन्हें सामाजिकता शब्द को हमेशा उपयोग किया है, संस्कृति, सामाजिक, समाज, इन शब्दों का उपयोग किया गया है। उस सारे शब्दों में हम सामाजिक शब्द ढूंढेंगे, उसमें से मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो ये पुरस्कार वगैरह देने के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मैं इसे काटता हूँ। वैसे भी मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताए हैं कि अगर उसमें पुरस्कार हो, कठोर शब्द उपयोग किया गया हो, केवल शब्द उपयोग किया गया हो, और याद करने वाले शब्द याद किया गया हो, वो लगभग गलत होते हैं, तो उसको मैंने काट दिया। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ये अटपटा सा मतलब ऑप्शन है जिसे आप निश्चित ही काट देंगे, पशुओं और किसी एक इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये गलत है। और किस तरह का प्रयोग आप पशुओं पर कर सकते हैं, ये तो मतलब ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा।
और यहाँ पे ये चार नंबर ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड दंड देना भी हमने बताया था शॉर्ट तरीके में, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं तो निश्चित ही काट दिए जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं आता आपको तो एक सामाजिक शब्द आपको यहाँ पे मिला है और पूरे कथन को पढ़िएगा तो ये पॉजिटिव थिंकिंग देंगे तो निश्चित ही सही हो जाएगा। ये बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, इसे प्रैक्टिकल रूप में वास्तविक दुनिया में देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं, जो समवयस्क होते हैं या जो वयस्क होते हैं, दोनों मतलब के साथ सामाजिक अंतःक्रियाएं, अंतःक्रिया हो गया उनके साथ एक दूसरे से क्रिया करना है यानी उनके संपर्क में रहना, उससे वो सीखते हैं। तो ये क्या वाइगोट्स्की सहमत होते हैं? जी हाँ, निश्चित ही सहमत होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक शब्द का उन्होंने उपयोग किया है, संस्कृति शब्द का उपयोग किया है। तो 18 का देखा आपने, एक होगा इसमें, मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी अगर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे बच्चे क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला मैं ऑप्शन छोड़ता हूँ, दो नंबर ऑप्शन से पढ़ते हैं, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, जो चिंतन करते हैं वो वयस्क जो अभी हैं, नौजवान जो हैं, उनके भांति ही वो होते हैं। तो जब उनके भांति होते हैं तो बड़े होंगे तो क्या हो गया, गुणात्मक वृद्धि होते जाएगा यानी वयस्क से भी बढ़िया होते जाएंगे। तो ये थोड़ा अटपटा सा जवाब है और इसे मैं काट देता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे तो छोटा बच्चा क्या व्यस्क की भांति चिंतन करेगा? नहीं, वो बच्चे की भांति चिंतन करता है। उसमें जब प्याजे के बारे में आप पढ़ेंगे तो प्याजे के बारे में भी बताया गया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, जीववाद की चर्चा होती है, जीववाद मीन्स क्या होता है, वो सभी निर्जीव वस्तुओं में भी जीव सोचने लगते हैं कि पंखा है, पंखा चलता है यानी उसमें जीव है, तो जीववाद की चर्चा की गई है। तो वैसा तो है नहीं, व्यस्क तो जानते हैं वो निर्जीव है। तो दो नंबर ऑप्शन में काट दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तीन नंबर ऑप्शन को देखते हैं, रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। यहाँ भरने की बात की गई है और वो ऐसे कहने की बात कि बड़े जो हैं वो ज्ञान उसमें भर देते हैं। ये भी ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग रहा है। कभी कभी होते हैं ना कि वो बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स से भी अच्छा कर जाते हैं, वो बड़े हैं तो बड़े का ज्ञान भरा जाएगा, उनसे भी बेहतर तो हो रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखिएगा, छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे बच्चे मतलब आप अपने ज़माने में क्या लैपटॉप वगैरह चलाते थे? जी नहीं, चलाते होंगे, लेकिन आज के डेट में देखिए जो छोटे बच्चे हैं लैपटॉप भी चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन पहले ये होता था? नहीं होता था। तो ये भी ऑप्शन मैं काट दूँ, ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय जीव होते हैं। देखिए निष्क्रिय है और यहाँ जिज्ञासु, इन दोनों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो दोनों में से कोई एक होगा। तो ये निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यहीं पे काट दूंगा क्योंकि बच्चे निष्क्रिय होंगे तो पढ़ेगा कौन। अब बचा एक नंबर ऑप्शन, बच्चे जो हो प्राणी होते हैं जो और के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यहाँ पे शब्द देखिएगा, अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट का एग्जाम देंगे, तो इन सारे ऑप्शन को जरूर याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटि यानी जो गलती करता है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ सही है? इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गलतियाँ हमेशा बच्चों से होती है, गलतियाँ हो जाती है, सावधानी रहने के बावजूद गलतियाँ हो सकती हैं, यानी आप सावधान रहते हैं तो भी गलतियाँ हो सकती हैं। तीन नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सहमे हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऐसा भी नहीं हो सकता, और दंड देने की बात तो कभी की जानी ही नहीं चाहिए, वो गलत वो ऑप्शन होते हैं। अगर सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो बखूबी वो गलत ऑप्शन होते हैं। चार नंबर, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे, ये भी गलत बात है।
गलतियाँ कौन सुधारेगा? एक शिक्षक ही सुधार सकता है, इसलिए बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं। तो इसमें बच जाता है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दो, बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ये बहुत ही करेक्ट आंसर है, और हमेशा याद रखिएगा, गलतियों से संबंधित या त्रुटियों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि जो त्रुटियाँ वो करते हैं तो वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। यानी अगर आप पढ़ते समय, निश्चित ही हर बच्चा गलती करता है, तो वो सीखने का प्रक्रिया का एक अंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप किस तरीके से आप सोच रहे हैं उस प्रश्न को, इस संदर्भ में आप उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो ये आप गलती करते हैं। इसलिए जब हिंदी क्लब के वीडियोस बनाए जाते हैं तो उस तरह का सोच क्रिएट किया जाता है आप लोगों का, कि आप कम से कम गलती कर। ऑप्शन चार ही है, ऑप्शन चार में से एक ही ऑप्शन सही होता है जिसे आपको पहचानना होता है। तो क्यों ना हम ऑप्शन पे ज़्यादा चर्चा करके तीन ऑप्शन को गायब कर दें, एक ऑप्शन सही तो होगा ही, उसी को आपको पकड़ना है ताकि आप गलतियाँ कम करें। तो ये गलतियाँ कैसे सुधारा जा सकता है? तो ये सुधारा जा सकता है कि आपके सोच को एक तरीके से बदल दिया जाए, वो उस संदर्भ में सोचा जाए जिस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, 20 का देखा जाए तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 2 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सबसे पहले प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को, जो भी शिक्षार्थी जो भी पढ़ने आते हैं बच्चे, वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, और इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए वह है। इसमें पहला है कड़े नियम बनाए, तो ये तो पहले मैं काट दूंगा, दंड, कड़े नियम, कठोर शब्द वाले जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं। दूसरा, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। तिरस्कार वाले शब्द यानी नेगेटिव सेंस में जो भी ऑप्शन होते हैं उसे हम काट देते हैं, यहाँ कठोर परिश्रम करना ये सारे हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 3 नंबर ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हैं, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। क्या बात है, तो इसे भी हम काट देते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी स्कूलों में यही होते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अरे इनका लड़का तो अंग्रेजी में बात करता है, पता नहीं उसे हिंदी में लिखने आता है कि नहीं, कभी पूछिएगा तो शायद उन्हें नहीं आता होगा। तो देखिए, यही चीज़ ऑप्शन में भी है, प्रैक्टिकल रूप से जो वातावरण में दिखता है ना, वही यहाँ पे ऑप्शन के रूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप गलतियाँ करते हैं। पता नहीं आप क्यों गलतियाँ करके आते हैं, सोच अपना चेंज कीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग, और संपन्न घरों से आते हैं। संपन्न घरों से आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी जिनके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं उनकी चर्चा की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन को काट दूंगा, बचा एक ऑप्शन, निश्चित ही वो करेक्ट होगा क्योंकि एक ही बचे हैं ये। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, विविध मतों को प्रोत्साहित करें। कभी कभी इससे संबंधित भी हिंदी में प्रश्न आ जाते हैं कि बहुभाषिकता शब्द यूज होता है, तो बहुभाषिकता शब्द का मतलब होता है कि बहुत सारे भाषाओं का योग आ जाना क्लास में, जैसे वो किसी और भाषा को लेके आए, ये किसी और भाषा को, तो ये किस रूप में काम करता है, तो वहाँ पे संसाधन शब्द यूज कीजिएगा। और समृद्ध वातावरण वाले जो ऑप्शन होते हैं जिसमें समृद्ध शब्द यूज होता है, वो हिंदी में अगर ऑप्शन है समृद्ध शब्द के साथ, तो समझिएगा वो लगभग करेक्ट आंसर होते हैं। कुछ शब्दों को आप पकड़ना सीखिए, निश्चित ही करेक्ट होगा। 21 का देखिएगा 4 नंबर, समृद्ध शब्द पे हम चर्चा करेंगे, कभी हिंदी का वीडियो सॉल्व कराएंगे तो। लेकिन फिलहाल जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्यों मैंने समृद्ध शब्द कहा है, दो तीन प्रश्न हल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। दो तीन साल, दो तीन प्रश्न ही, दो तीन ईयर के जो प्रश्न है उसे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके डेस्टेस में विभिन्नता के कारण है, तो ये अधिगम शैली हो जाएगा, यानी लर्निंग स्टाइल्स।
और जो भी आंसर दिया जा रहा है ये सीटेट का ऑफिशियल आंसर की है। ये क्वेश्चन लगभग बड़ा है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा एक और कक्षा दो के प्राथमिक स्तर पे बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कक्षा एक और दो प्राथमिक स्तर के बारे में बताया गया है और बहुभाषिक शब्द यूज किया गया है। बहुभाषिक के बारे में अभी हमने बताया, बहुत सारी भाषाएं की चर्चा की गई है। यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो क्या क्या है। ऑप्शन एक है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए मैं इसको काट देता हूं। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, और बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, काट दूं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक तरह से आदर करने की बात की गई है सभी भाषाओं का, जो एक पॉजिटिव वे है, एक पॉजिटिव समाज को मैसेज दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हमें लग रहा है। लेकिन चार नंबर ऑप्शन को क्यों छोड़े, उसे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें गलती नहीं करना है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा उपेक्षा दोनों में अंतर है, तो इन शब्दों को भी ध्यान में रखिएगा। उपेक्षा क्या होता है, अपेक्षा क्या होता है, इसी का मतलब हम इस वीडियो में पूछना चाहेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर तो हम दे ही देंगे क्योंकि इस पे नेक्स्ट वीडियो हम लेके नहीं आएंगे। तो उपेक्षा का मतलब क्या होता है और अपेक्षा क्या है, उपेक्षा और अपेक्षा दोनों में अंतर क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हम फिर लेंगे, जो भी करेक्ट आंसर सबसे पहले देते हैं। अब यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन बच जाता है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसका मतलब जब आप जान जाएंगे तो निश्चित ही आप इस ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है, 24 नंबर, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यहाँ प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है, और पिछले वीडियोस में यानी इसका जब पार्ट वन हम बना रहे थे उसमें भी प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया था और एक प्रश्न था, और उस प्रश्न को अगर वास्तविक रूप से आप देखे होंगे तो आप इसका ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे और तुरंत आप जवाब दे देंगे। जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये प्रकृति से संबंधित है। पोषण और प्रकृति, प्रकृति मीन्स जो उसे प्रकृति ने दिया है। प्रकृति मीन्स किसी भी शब्द को प्रकृति से जोड़ना होना तो उस शब्द को समझिएगा कि वो बाय डिफॉल्ट उसके शरीर में आया, उसने बनाया नहीं, उसने क्या क्या बनाया नहीं। जैसे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम हम बनाते हैं नहीं, वंश द्वारा मिलता है, वंश मतलब जो पूर्वज हैं उनसे मिलता हुआ मेरे पास आ रहा है। जैविक विशेषताएं, जो भी जैविक विशेषताएं हैं यानी जो बायोलॉजिकल हैं तो वो मुझे मिल रहे हैं, तो ये सारे मिलते हुए आते हैं, ये प्रकृति है। पोषण, पोषण क्या होता है, पोषण साइंस में भी आपने देखा होगा पोषण क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो पोषण हुआ जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शब्द यूज हुआ है जनसंचार माध्यम यानी मीडियम और समाजीकरण का, समाजीकरण यानी समाज से संबंधित है, और जनसंचार माध्यम यानी संचार क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। संचार मीन्स आप रेडियो देखते हैं ना, तो रेडियो से हम लोग क्या न्यूज लेते हैं, तो बस वही संचार यानी एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाना किसी भी माध्यम से, वो कह सकते हैं संचार। तो उसमें महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, इसके बारे में चर्चा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है उसे देखना है। पहला है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापनों और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। विज्ञापन और विक्रय, विज्ञापन यानी जो एड आप लोग देखते हैं वो, विक्रय यानी बेचने का के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसे मैं काट देता हूँ, ये पॉजिटिव वे में नहीं है, क्योंकि उससे आपको क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा नहीं, समाज को भी कुछ फायदा होगा नहीं होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, समाजीकरण केवल, यहाँ केवल शब्द लग गया है, आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि और ऑप्शन देखेंगे, जब वो गलत होगा तब केवल वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ देते हैं। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है, क्या और लोग क्या करते हैं, और लोग घूमते हैं,
उन्हें न्यूज़ नहीं चाहिए, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो काट दिया जाए। केवल मीन्स केवल वाले शब्द क्यों गलत होते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल किसी को इंडिकेट करता है कि हाँ यही केवल, और रिस्ट लोगों को छोड़ देता है, जिसके कारण वो गलत हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देखे होंगे जनसंचार माध्यमों की पहुंच क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। कल के डेट में रेडियो होता था, आज टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। देखिए कंप्यूटर था तो सब लोग कंप्यूटर पर लगे हुए थे, आज में इंफॉर्मेशन चली जा रही है, यूट्यूब है, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तुरंत, बाय डिफॉल्ट रूप से तुरंत पे तुरंत, टीवी भी आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हो रहा, पहुंच बढ़ रही है, जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, यानी विश्वास को भी प्रभावित करता है। आप न्यूज़ कैसे जानते हैं कि इनकी गवर्नमेंट बन रही है, ये हो गया, ये हो, कैसे, तो वो एक विश्वास आपका जीतता है कि हाँ यही इन्हीं का इन्फॉर्मेशन सही है, चाहे ये न्यूज़ मिला मुझे, उस पर विश्वास भी बढ़ता है, वो आपका मूल्य भी चेंज करता है। कहीं जाना हो, स्ट्राइक लगा हुआ है, कोई इस रोड की तरफ मत जाइए, ये बताया जाता है, तो उस पर विश्वास है, तभी तो आप उधर नहीं जाते हैं। तो देखा जाए तो 3 नंबर थोड़ा सा करेक्ट है। 4 नंबर पे देखते हैं, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं, नहीं शब्द लग गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखें अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो ये काट दूंगा मैं, और ये बचा हुआ ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, फिर से पूछा गया नहीं, यानी कौन से इसमें गलत है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया केवल वाला, और आप नहीं पूछा जा रहा इसलिए इसको टिक कर देंगे, तो ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं केवल कक्षा में ही नहीं सीखते, कभी मत सोचिएगा कि वो कक्षा में ही सीखते हैं, कभी कभी चर्चा होती है औपचारिक की अनौपचारिक की, ये क्या होते हैं, औपचारिक, औपचारिक चीज़ विद्यालय को हम औपचारिक कह सकते हैं। औपचारिक क्यों कह सकते हैं विद्यालय को, क्योंकि स्कूल में हम लोग क्या करते हैं ना, स्कूल में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं, देखते हैं नहीं है मतलब, क्योंकि स्कूल में हम लोग जाते हैं, डेली टाइम से जाते हैं, सारा चीज़ व्यवस्थित होता है, उसको हम औपचारिक कहते हैं, कि वहाँ हम जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही जाते हैं, ये औपचारिक हो गया। अनौपचारिक होता है जैसे बातचीत में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कुछ सीख जाते हैं, कुछ करने के तरीके को जान जाते हैं, बातचीत में हुआ चाहे कहीं घूम रहे हैं वहाँ पे किस चीज़ों को सीख लेते हैं, कि ये अनौपचारिक हो गया। तो ये बच्चे जो है ना केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, तो इसको हम लोग 1 को टिक कर देंगे, नहीं पूछा जा रहा। फिर भी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, जी हाँ, जब रुचि लेंगे, संज्ञानात्मक को छोड़ दीजिए, और भी ऑप्शन आ सकते हैं, कि जब उन्हें रुचि का लगेगा तभी वो सीखते भी हैं, रुचि लेंगे तभी ना सीखेंगे वो आगे। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, जी हाँ, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे तो निश्चित ही सीखेंगे, तो ये होंगे सही। अब चलते हैं आगे 27 नंबर, चलिए इसमें देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को, जो भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हैं उनको अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अभिप्रेरित करने के निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। इसमें देखा जाए तो है, पहला ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा, अंक लाने की चर्चा की गई है, तो सबसे पहले मैं तो इसे काट दूंगा। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक, यहाँ पे पुरस्कार दंड का चर्चा किया गया, इसे भी मैं काट दूंगा, अब पूरा ऑप्शन पढ़ सकते हैं। अगला है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने का उद्यम में सहायता करना, चलिए कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर, यहाँ कठोर शब्द आ गया, इसे भी मैं क्या करूँगा, काट देता हूँ, बच गया 1, इसे कर दीजिए टिक, निश्चित ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, तो कारक आपका क्या है, तो ये परिवार है, कंप्यूटर अनुवंशिकता राजनीतिक दल तो नहीं है,
समाज का निर्माण कैसे होता है। समाज में सबसे पहले माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक परिवार बनता है, परिवार से दूसरा परिवार जुड़ता है, ऐसे ही पूरा परिवार मिलते मिलते एक कबीला भी तैयार हो सकता है, एक समाज भी तैयार हो सकता है। चलिए, तो ये 28 नंबर का एक नंबर ऑप्शन सही हुआ। 29 नंबर देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, दूसरा है छोटे समूह में बच्चों को एक दूसरे पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, चार नंबर ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। को यहाँ पे देखा जाए, समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? को यहाँ पे सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक ही पॉजिटिव लगेगा और वो है आपका 3 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे। हाँ, ये ऐसे होता है, नहीं, ऐसे हमने देखा था, ऐसे करके देखिए ना, तो ये ऐसे होता है, उसे क्यों ना परस्पर रूप से करके सीखते हैं और एक दूसरे का सहायता भी करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, बस 3 प्रैक्टिकल रूप में उसी प्रश्न को डाल दीजिए, डाल के देखिए, निश्चित ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट है और इसे हम कहेंगे तो कहेंगे आप जरूर इसे याद कर ले, चलिए याद भी करवा देते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने एवं समझने में, पढ़ने की चर्चा की गई है तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है पठन, पठन मीन्स पढ़ना, तो ये आपका डिसलेक्सिया है, पठन अक्षमता। अक्षमता मीन्स क्या होता है, इस पर एक वीडियो भी हमने बनाया है जिसे आप देख सकते हैं, अक्षमता यानी उसमें क्षमता नहीं है पढ़ने की, तो यहाँ पढ़ने और समझने की कठिनाई प्रदर्शित करता है यानी उसमें क्षमता नहीं है, तो डिसलेक्सिया हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, लेक्सिया डिसलेक्सिया यानी पढ़ना, लेखन यानी ग्राफिया, ग्राफ आप लोग तैयार करते होंगे तो वो समझिएगा, ग्राफ तैयार करना यानी लिखना, लक्ष्य मीन्स लिखना कभी नहीं होता, पढ़ना होता है, ये भी याद रखिएगा। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन यानी मैथ का कैलकुलेशन करना, ये गणितीय हो गया। एक और आता है गति समन्वय अक्षमता, जिसे हम कहते हैं डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया मीन्स प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में से प्रैक्टिकल रूप से आप चलते हैं, गति करते हैं, वही गति समन्वय है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, निश्चित ही टिक कर लीजिएगा और इतने सारे आपके ऑप्शन याद भी हो गए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे संबंधित एक प्रश्न आ ही जाते हैं, मैथ में अगर पूछ दिया गणित डिसकैलकुलिया क्या है तो वो समझ जाइएगा आपका कैलकुलेशन है यानी गणित से संबंधित अक्षमता है, चाहे मैथ में कुछ भी किसी भी तरह का त्रुटि करता है, ऑप्शन में ये गुणा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो तो वो क्या हो जाएगा आपका गणितीय अक्षमता हो जाएगा। तो ये हुआ आपके जो भी प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 पेपर वन में पूछे गए थे उसके सभी आपके जवाब। इसके अलावा अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं जो आपके हिंदी पे बेस्ड होंगे, हिंदी में अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसका पैडागोजी सेक्शन जो बचे हुए हैं उसे हम कंप्लीट करा देंगे, दो वीडियो में, दो या एक वीडियो और आएंगे जिसे हम कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा मैथ पेपर वन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, खास करके पैडागोजी में। इन दोनों में से किस पे आपको वीडियो चाहिए सबसे पहले वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, साथ में ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप हमेशा बने रहें हिंदी क्लब पे, देखते रहें हिंदी क्लब के ओल्ड वीडियोस को। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि सीटेट के आगामी एग्जाम में बहुत ही आप अच्छा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।